जितने चाहे मुकदमा दर्ज कर लें, डरने वाले नहीं, अवामी मसाइल पर खामोश नहीं बैठेंगे। कराची प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि हम पानी के मामलों पर एहतजाज कर रहे हैं, सीबीसी की जानिब से दर्ज कराए गए मुकदमात की मजम्मत करते हैं, सीबीसी के दफ्तर से निकल जाने का और कहा गया पानी नहीं है, रिहाइश तब्दील कर लें। सीबीसी चीफ एग्जीक्यूटिव फिरौन बने हुए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव के पास हमारा डेलीगेशन मिलने गया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, और चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने उनको अपने दफ्तर से बाहर निकाल दिया। उसके बावजूद हम लोग पुरअमन रहे, दफ्तर से बाहर निकाला गया ये कहकर के बाहर निकल जाओ और जिसको पानी की किल्लत है वो यहाँ से रहाइश अपनी बदल कर चला जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि लोग पुरअमन एहतजाज करने गए तो दफातर को बंद कर दिया गया, हमारे MPAs और मुंतखब काउंसलर्स को अंदर बंद कर दिया गया। एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया सिविल सोसाइटी ने, वहाँ के रेजिडेंट्स ने, जिसमें हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसके अंदर मैं मौजूद नहीं था। उस दिन उन्होंने क्या किया, दफ्तर बंद कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप सिविल सेक्रेटेरिएट जाए और सारा सेक्रेटेरिएट बंद हो जाए सिर्फ इसलिए कि भाई लोग मिल ना सके। डॉक्टर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि हमारे पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाया गया, 1286 टैंकर्स VIPs को दिए जा रहे हैं, उन्हें फौरन बंद किया जाए, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। हमने इनसे दरखास्त की कि चीफ एग्जीक्यूटिव से कहिए बाहर आ जाए, हमारे मुतालबात सुन लें और लोगों को जाने के लिए रास्ता खोल दें। नहीं खोला तो घंटों इंतजार करने के बाद वो दरवाजे को जब लोगों ने पुश किया तो वो दरवाजा जैसे चखनी नहीं होती वो यूं खुल गई। हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, हम अंदर चले गए। उनका कहना था कि जितनी चाहिए FIR दर्ज कर लें, हम आवाम के मसले पर कभी खामोश नहीं बैठेंगे।